हेलो एवरीवन, मैं हूँ संजू और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बेबी सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन की, मतलब जब भी आप बच्चे को खाना खिलाना स्टार्ट करते हैं पहली बार तो आपको कैसे करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें बच्चे को नहीं खिलानी चाहिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मदर्स के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स और बहुत सारे सवाल होते हैं जब वो बच्चे को खाना खिलाना स्टार्ट करती हैं। तो चलिए फिर वन बाय वन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो जो पहला क्वेश्चन ये रहता है कि बच्चे को सॉलिड फूड खिलाना कब स्टार्ट करना चाहिए, इसका आंसर है वो एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं कि बच्चे को जब आप खाना खिलाना स्टार्ट करते हैं तो बच्चे की जो एज है वो 6 मंथ्स होनी चाहिए, मतलब फिर बच्चे को 180 डेज कंप्लीट हो जाना चाहिए बच्चे की बर्थ से। तो इससे पहले आपको बच्चे का सॉलिड फूड नहीं स्टार्ट करना चाहिए, बहुत ही एक रेयर केस में कम से कम आपको 5.5 मंथ्स तो वेट करना ही चाहिए, क्योंकि बच्चे का जो बॉडी है वो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, जो बच्चे का सिस्टम है डेवलपमेंट भी रेडी नहीं है फूड को हैंडल करने के लिए। तो आपको 6 मंथ से पहले बच्चे को खाना देने से परहेज करना चाहिए और कम से कम 5.5 मंथ्स। इसके अलावा क्या होता है, कुछ पॉइंट्स होते हैं आप अपने बच्चे के सॉलिड फूड की रेडीनेस चेक करने का, मतलब आपको क्या करना है कि कुछ साइंस हैं जो चेक करने हैं कि आपका बेबी फूड के लिए रेडी है या नहीं है। उसमें जो पहला साइन होता है वो ये होता है कि आपके बच्चे का हेड और जो नेक कंट्रोल है वो अच्छे से होना चाहिए, बच्चे के हैंड माउथ और आइज़ में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मतलब आपने कोई चीज़ या फूड सामने रखा तो बच्चा उसको हाथ से उठा के मुँह की तरफ ले जाना चाहिए, तो इसको बोलता है हैंड माउथ आई कोऑर्डिनेशन। और इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट होती है होता है कि बच्चे को मिनिमल सपोर्ट के साथ बच्चा बैठ जाना चाहिए, मतलब जैसे मान लीजिए आपने बच्चे को लैप में बिठाया है तो बच्चा आपने यहाँ पे बच्चे को बिठाया तो आपका सहारा लेके बच्चा आराम से बैठा हुआ है, वो ऐसे इधर उधर इधर नहीं जा रहा है उसका, तो ये एक जो नेक्स्ट है ये एक साइन होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको बच्चे को ध्यान रखनी चाहिए। और जो शोइंग इंटरेस्ट, एक आपने पॉइंट पढ़ा होगा बच्चे को खाने में इंटरेस्ट दिखा रहा है तो मतलब बच्चा खाने के लिए रेडी है, बट इसका मतलब ये नहीं है अगर आपका बच्चा 5 महीने में या 4 महीने में ऐसे खाने को छीनने की कोशिश कर रहा है तो वो खाने के लिए रेडी है, ऐसा नहीं है। तो बच्चे के प्रॉपर फूड स्टार्ट करने के लिए आपको 6 मंथ्स का वेट करना चाहिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि हाउ टू स्टार्ट द सॉलिड फूड जर्नी, मतलब आपको बच्चे को खाना कैसे खिलाना स्टार्ट करना है, क्या खिलाना है, लिक्विड खिलाना है या फिर पानी देना है, दाल का पानी देना है, राइस का पानी देना है या बनाना देना है, एप्पल देना है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं मदर्स के मन में। तो हमको दो मेथड्स होते हैं, मतलब एक होता है ट्रेडिशनल मेथड और एक होता है बेबी लेड वीनिंग मेथड। तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, आप बेबी को फीड करवाते हैं प्राइमरीली जैसे प्योरीड फॉर्म में, आपने बेबी के लिए एप्पल स्टीम करके उसको अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है और आप बेबी को स्पून से उससे खिला रही है। उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आपको बेबी को फोर्स फीड नहीं करना है, मतलब अगर बेबी नहीं खा रहा है तो आपको ऐसे एकदम खिलाते ही जाना है, ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है बच्चा आपको पहले दिन से खाना खाएगा, तो अगर वो नहीं खा रहा है तो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, आप उसको अवॉइड करिए, फोर्स फीडिंग को कम्प्लीटली अवॉइड करिए। जो एक एडवाइस मैं आपको दूंगी कि बच्चों पे फोर्स कभी भी काम नहीं करता है, आप चाहे कोई भी चीज़ में लगा के देख लीजिए। तो अगर आप बच्चे को फोर्स फीडिंग कर रही है तो आप उसकी जो फूड की जर्नी को है वो बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट बना रही है, तो आप फोर्स फीडिंग अवॉइड करिए कम्प्लीटली। जो दूसरा मैंने बोला बेबी लेड वीनिंग, सो बेबी लेड वीनिंग में क्या होता है ना कि बेबी जैसे जनरली बेबी लेड वीनिंग क्या होता है, आप जैसे कुछ फूड बनाते हो, जैसे आपने फिंगर फूड बना दिया और बेबी के सामने रख दिया, जैसे मान लीजिए आपने एप्पल को एप्पल का एक स्लाइस काटा और उसको स्टीम कर लिया और वो दोनों फिंगर्स के बीच में अच्छे से मैश हो जाना चाहिए, तो आपने बच्चे की टेबल के सामने रख दिया और बच्चा खुद ही उठा रहा है और ऐसे खाने की कोशिश कर रहा है, तो मतलब बेबी बेसिकली खुद से इनिशिएट कर रहा है, खुद ही डिसाइड कर रहा है कितना खाना है, क्या खाना है, ये सब बेबी के। सो ये होता है बेबी लेड वीनिंग। तो आप जिस भी वे में कंफर्टेबल हैं आप स्टार्ट कर सकती हैं, और ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेडिशनल वे से आप स्टार्ट कर रही हैं तो आपको ट्रेडिशनल ही फॉलो करना है, आपने बेबी लेड वीनिंग किया है तो आप हमेशा बेबी लेड वीनिंग ही फॉलो करेंगी, नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप कॉम्बिनेशन भी कर सकती हैं। तो मान लीजिए आप सुबह आप जल्दी में हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप ट्रेडिशनल वीनिंग फॉलो कर लीजिए और शाम को आप फिंगर फूड ट्राई कर लीजिए बेबी के साथ और उसको खुद खाने के साथ खेलने दीजिए, खाने दीजिए, आप उसके सामने बैठिए और खाइए साथ में, तो उसको पता लगेगा कि अच्छा ये खाना खाना है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है बच्चे को खाना खाना सिखाने का। इसके अलावा क्या होता है, जैसे ही बच्चा
सिक्स मंथ्स का होता है, मदर्स खाना खिलाना स्टार्ट करती है बेबी को, वो एक्सपेक्ट करती हैं अरे मेरा बच्चा आज पूरा प्लेट खा जाएगा, दो स्पून तो खानी चाहिए उसने, तीन स्पून तो खानी चाहिए उसने। ऐसा नहीं है, मतलब हो सकता है आपने बहुत ही प्यार से पहले दिन सब बनाया, प्योरी बनाई और आपके बच्चे ने एक भी स्पून नहीं ली, तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। आपको बिल्कुल भी ख़राब फील नहीं करना है क्योंकि बेबी ने सिक्स मंथ तक सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क पिया है, तो अभी उसके लिए अचानक से ये सारी चीज़ें नहीं है। तो आप एक चीज़ का जो ध्यान रखेंगे वो ये है कि वन ईयर तक अभी भी बच्चे का जो प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है वो ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क ही रहता है। जो फूड है वो एक एडिशनल चीज़ है जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बच्चा आराम से इसमें इसके टेक्सचर से फैमिलियर होगा, थोड़ा खाना सीखेगा, इसके लिए ये एक जो पीरियड है ये इसके लिए रिजर्व्ड है। तो आप उसको वैरायटी ऑफ फूड दीजिए, उसको सारे चीज़ों से फैमिलियर करवाइए, तो इस तरीके से आप शायद पिकी ईटिंग अवॉइड कर सकते हैं। मतलब मेरा बच्चा चूज़ी है, ये नहीं खाता वो नहीं खाता, तो ये शायद आपको चीज़ें कम फेस करनी पड़े। दूसरी जो आपको बात बोलूँगी, आप बच्चे को हमेशा मतलब सेम टेक्सचर मत देते रहिए। मान लीजिए आपने प्योरी फॉर्म में स्टार्ट करा और आप सोच रही हैं कि एक साल तक आप प्योरी देती रहेंगी और एक साल के बाद अचानक से आपका बच्चा रोटी खा लेगा, तो ये थोड़ी हार्ड जर्नी है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बच्चे को के टेक्सचर को बदलते रहिए। मान लीजिए आपने बच्चे को स्टार्ट किया था प्योरी फॉर्म से, तो आप बाय द 7 or 8 months थोड़ा मैश्ड स्टार्ट करिए। मतलब एप्पल आपने स्टीम कर लिया और उसको स्पून से मैश कर दिया और बच्चे को दिया, तो धीरे धीरे आप इसको टेक्सचर को चेंज करते रहिए। तो बेबी इससे क्या होगा, च्यू करना भी सीखेगा फूड को, तो ये इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। आपको ध्यान रखना है कि हमेशा सेम टेक्सचर बेबी को नहीं देते जाना। तो नेक्स्ट पॉइंट वो ये है कि क्या बेबी को हमको कौन सा फूड कितने दिन तक देना चाहिए। तो पुराना जो टाइम था उसमें पता है क्या होता था कि एक जो फूड है, मतलब WHO और जो AAP है वो बोलते थे कि एक जो फूड है उसको आपको 3 दिन तक देना चाहिए। मान लीजिए कि आपने एप्पल प्योरी से स्टार्ट किया, तो आपको एप्पल प्योरी आज देना है, कल देना है, परसों भी देना है। रीज़न उसका ये होता था कि एलर्जीज टेस्ट करने का एक बात होता था, मतलब कि बेबी को रिएक्शन या एलर्जी तो नहीं है किसी फूड से, तो सो आप 3-day rule फॉलो करेंगी तो आपके बच्चे की एलर्जी पता लगेंगी, ऐसा बोला जाता था। बट अभी जो रिसेंट स्टडीज़ हैं उसमें WHO बोलता है कि आपको 3-day rule की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर आपके बच्चे को कोई एलर्जी या रिएक्शंस है तो 24 hours इनफ होते हैं कोई भी एलर्जी को बताने के लिए। तो आप क्या कर सकती हैं, अपने बच्चे को डेली एक नया फूड इंट्रोड्यूस कर सकती हैं। इस प्रोसेस में आपको ध्यान ये रखना है कि आपको जो फूड इंट्रोड्यूस करना है डेली, वो नया जो फूड इंट्रोड्यूस करेंगे वो आप मॉर्निंग टाइम में करिए, क्योंकि अगर कोई भी एलर्जी या रिएक्शन है तो आपके लिए इजी होगा मॉनिटर करना डे में, और डॉक्टर्स वगैरह की अवेलेबिलिटी किसी केस में आपको चाहिए तो वो इजीली मिल जाएगी। तो आप ये एक काम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे को क्या नहीं देना चाहिए। मतलब बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं इस टॉपिक पे, बहुत बारी हम दे भी देते हैं प्रेशर में आके, क्योंकि बहुत सारे लोग हमको बोल रहे होते हैं अच्छा क्या नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो हम लोग दे देते हैं, ऐसा मुझे पता है ऐसा होता है। पर आपको जो ध्यान रखनी है वो ये कि आपको स्ट्रिक्टली नो बोलना है इन चीज़ों को। और तो फर्स्ट चीज है सॉल्ट, मतलब आपको बच्चे को एक साल तक नमक नहीं देना है, चीनी नहीं देनी है, शहद नहीं देना है। ये तीनों ही चीज़ें बेबी के लिए अच्छी नहीं है। एक शॉर्ट में हम अगर बात करें तो ये तीनों चीज़ें आपको नहीं देनी चाहिए बेबी को, एक्सपर्ट्स इसको रेकमेंड नहीं करते हैं। मैं चाहे डिटेल में बाद में दूसरा वीडियो बनाऊं क्यों नहीं देनी चाहिए, तो अगर आपको फिर भी जानना हो कोई पर्टिकुलर चीज़ क्यों नहीं देनी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा और आप पूरा देखेंगे नहीं फिर इसको। तो आपको अवॉइड करना है शुगर, चीनी, नमक, शहद और एनिमल मिल्क, मतलब आपको कोई भी जानवर का दूध बच्चे को नहीं देना है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, आपको ये अवॉइड करना है, क्योंकि आपके बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो रेडी नहीं है इनमें जितना भी प्रोटीन्स और जो भी मात्रा होती है उसको हैंडल करने के लिए, तो ये आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा आपको जैसे जो राउंड शेप में जो फ्रूट्स होते हैं जैसे कि ग्रेप्स या फिर चेरी, इनको बहुत अच्छे से काट के देना है, क्योंकि उससे बच्चे के चॉकिंग होने के बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे हैं। तो आपको जो फुल राउंड शेप वाले फ्रूट्स हैं वो नहीं देने बिना कट करे हुए बेबी को। लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलूँगी, डिस्ट्रैक्शन फीडिंग मत करिए। मतलब बेबी आपका जब बेबी खाना खा रहा है तो वो पूरा प्रॉपर अपराइट पोजिशन में बैठा होना चाहिए सीधा, जब आप उसको फीड करवा रही हैं तो ऐसे ऐसे ये वाली पोजिशंस में नहीं होना चाहिए। तो आप उसको एकदम सीधा बैठाइए, फिर खाना खिलाइए, आप उसके बैठ के उसके सामने खुद खाइए, उसको देखने दीजिए कि अच्छा ये खाना है। तो ये एक तरीका फॉलो करिए रादर देन शोइंग कि अच्छा देखिए ये चिड़िया आ रही है, ये तोता आ रहा है, या फिर मतलब मान लीजिए टीवी है, टीवी दिखा के खाना मत खिलाइए, अवॉइड ही करिए। बाद में एक टाइम बाद
अभी चीज़ें आपके कंट्रोल में आप तो अभी से स्टार्ट करेंगी, तो आई थिंक आपके लिए ज़्यादा अच्छे से काम करेगी ये चीज़ें लेटर। तो ये थी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने कवर किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, एंड लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि वो ये जो मुझे हेल्प करता है आगे रीच लेने के लिए। तो क्वेश्चंस आंसर, इसके अलावा अगर आपको बेबी फूड चार्ट या कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करिए, क्योंकि आई थिंक फूड चार्ट मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है 6 मंथ और 7 मंथ के लिए, तो मैं शेयर कर सकती हूँ। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू, बाय बाय।